ग्राम पंचायत बरखेड़ी के युवा सरपंच राजेंद्र सिंह चौहान ने अपनी ग्राम पंचायत में सभी मूलभूत सुविधा तो मुहैया कराई है, पर सरपंच राजेंद्र सिंह चौहान की लंबी सोच ने गांव की गंदगी तो दूर की, साथ ही जहां कूड़े करकट के बड़े ढेर होने से बीमारी फैलती थी, स्वच्छता अभियान के माध्यम से सभी ग्रामीणों के सहयोग से कचरा कूड़ा हटवा कर एक शानदार मांगलिक भवन के साथ मैरिज गार्डन बनाकर ग्रामीणों को एक खूबसूरत सौगात दी है। गौरतलब है कि सरपंच राजेंद्र सिंह चौहान ने सबसे पहले अपने पिता को ही नोटिस शामिल कराकर कूड़े के ढेर हटाने की कार्रवाई की। देखते ही देखते मैदान साफ हो गया। सरपंच राजेंद्र चौहान ने बताया कि इस परिवार में सभी वर्ग के परिवार शादी ब्याह के लिए हैं। निशुल्क होकर पंचायत पानी सफाई की व्यवस्था भी करती है और हर शादी में भी मदद के लिए तत्पर रहता है। यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि पूरे गांव की गंदगी जो है कूड़ा करकट वो यहाँ डलता था। सबसे पहले मैं सरपंच बना तो मैंने चाहा कि गंदगी साफ सफाई भी हो जाए, दूसरा गांव में जो मांगलिक कार्यक्रम होते थे उनके लिए पूरे गांव में कोई जगह नहीं थी। जब हमने शुरुआत करी तो बहुत परेशानी आई। सबसे शुरू में मैंने अपने पिताजी के नाम से नोटिस दिया और उनका भी अतिक्रमण था। सबसे पहले 7 दिन में उनका अतिक्रमण हटवाया JCP से और वहाँ आंगनबाड़ी गड्ढे खोदाए। उसके बाद पूरे गांव ने का ये सहयोग है, उन्हें पूरे गांव ने सहयोग करा। धीरे 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 करके हमने परिसर डेवलप करा कि न बरखेड़ी के लोग बल्कि आसपास के लोग भी बरखेड़ी से आके शादी करें। लेटरिन बाथरूम की सुविधा, 3 सेट कमरे, कुछ बिल्डिंगें बन जाएगी, नीचे पार्किंग व्यवस्था, नदी, कुछ अगर रूम्स बन गए तो बाहर के लोग भी यहाँ आके सुव्यवस्थित तरीके से शादी कर सकते हैं। आपका परिचय? मैं राजेंद्र सिंह चौहान, सरपंच संघ ब्लॉक अध्यक्ष छेगांव। पहले यहाँ पर रुक रहे थे, हाँ, कूड़ा कचरा, हाँ, और वो जो गंदगी थी यहाँ पर, हाँ, तो बहुत ज़्यादा गंदी जगह थी। तो गांव वाले, सरपंच ने बोला, गांव वाले ने बोला यहाँ पर भवन बनाते हैं, तो सर गाँव वाले मना कर गए, बोले आपका जगह ज़्यादा घेरी हुई है और आप ही तब हमको उठा रहे हो थोड़े थोड़े को, आप बड़े लोग हो इसलिए हमें दबाव दे रहे हो। तो सबसे पहले सरपंच ने मेरे को नोटिस दिया। ये सरपंच कौन है? सरपंच मेरा लड़का है। क्या नाम है उनका? राजेंद्र सिंह चौहान। कौन सी ग्राम पंचायत है ये? ग्राम पंचायत बरखेड़ी। आपका शुभ नाम? शुभ नाम भाव सिंह चौहान। ठीक। ये परिसर बनने से हमारे गांव की गंदगी साफ हो गई और बीमारी से मुक्ति पाई। आगे ये देखें कि हम इतनी पब्लिक को कहाँ भोजन कराते हैं और कहाँ व्यवस्था लगाते हैं। यहाँ व्यवस्था की बहुत सुविधा हो गई। इसके पहले ये भवन नहीं था तो कहाँ आपको परिसर लेना है? हमको बाहर जाना पड़ता था और पैसा खर्च करना पड़ता था और आधी पब्लिक नहीं जुड़ पाती थी। ये परिसर किसने बनवाया? ये सरपंच साहब। क्या नाम है उनका? युवा सरपंच के इस अनोखी पहल की ग्रामीण काफी प्रशंसा कर रहे हैं और उसे मिसाल बता रहे हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खंडवा से अजय चौरी की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।